आधुनिक युग का एक प्रमुख अंग परमाणु युद्ध है, जिसमें पारमाणविक शक्ति द्वारा स्वचालित अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में इस महादानवी शक्ति का प्रयोग अस्त्र के रूप में किया गया। प्रातःकाल 5:29, 16 जुलाई सन 1945 ईस्वी को न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी साइट की मरुभूमि में पहले अणुबम का विस्फोट हुआ। इस अणुबम के सफल परीक्षण के परिणाम के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ने का निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि 6 अगस्त एवं 9 अगस्त सन 1945 ईस्वी को विस्फोट करके पारमाणविक युद्ध का आरंभ कर दिया। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध का अंत हुआ। फिर भी हजारों मानव शिशुओं की मृत्यु को भेंट चढ़ाने वाला विज्ञान का यह महादैत्य शिशु जीवित रहा, मानव द्वारा पोषित हुआ, प्रौढ़ हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद रूस, इंग्लैंड और फ्रांस में इस दैत्य के भाई बंधुओं की पैदाइश पर जोर शोर से काम होने लगा। सन 1949 ईस्वी में रूस ने अपने एटमी दैत्य का निर्माण किया। फिर भी फ्रांस तथा चीन से एशियाई शक्ति संतुलन को बिगड़ते देख भारत भी 18 मई सन 1974 ईस्वी को पोखरण का अंततः विस्फोट करने को बाध्य हुआ। तत्पश्चात भारत ने भी इस सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया। Well, if you go along this way, this is what's going to happen, and that is what did happen. So we have to look each country, but I mean, I can only speak for myself. Each country has to look for its own interests and its own future. सवाल यह उठता है कि जब भारत परमाणुविक बिरादरी में सम्मिलित हो गया, तब इसकी कोई ना कोई परमाणु नीति होनी चाहिए। आखिर भारत क्यों इस दानवी नवजात शिशु को पाल रहा है? उल्लेखनीय है कि परमाणुविक अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ से ही राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव डालने लगा और समय के साथ उसने विश्व की महाशक्तियों के लिए राजनीतिक प्रभाव और कूटनीति के नए द्वार खोल दिए। जब साम्यवादी जगत में भी परमाणविक शस्त्रों ने संघर्ष के तत्वों को प्रोत्साहित किया, तब एशिया और अफ्रीका के देश भी परमाणविक कूटनीति प्रभाव से बच ना सके। विश्व के अनेक देशों की सैनिक व्यू की रचना बदल गई। इतना ही नहीं, परमाणविक शस्त्रों के विपुल व्यय ने और इससे प्रभावित कूटनीति के नए पैतरों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। इस महादानव ने अनेक एशियाई राष्ट्रों की विदेश और सामरिक नीति को तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की परमाणु नीति को प्रभावित किया है। विश्व की परमाणु शक्ति संपन्न शक्तियों का प्रयत्न और आग्रह है कि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र ऐसे शस्त्र बनाने का प्रयत्न न करें। वे चाहते हैं कि ये राष्ट्र परमाणु शक्ति का विकास केवल असैनिक कार्यों के लिए करें, लेकिन विडंबना है कि परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र पर परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के आक्रमण की सूरत में उनके बचाव की व्यवस्था का कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं है। स्पष्ट है कि इस परिस्थिति ने परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों की शंकाओं को बढ़ा दिया है, इसीलिए कुछ राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय नीति और अर्थव्यवस्था को इस तरह मोड़ देने को प्रयत्नशील हैं कि या तो स्वयं परमाणु आयुधों का निर्माण कर सकें या किसी भी प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकें। इसीलिए भारत ने भी सन 1968 ईस्वी की परमाणु अप्रसार संधि यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के संभावित खतरे और पाकिस्तान चीन के नापाक गठजोड़ को देखते हुए भारत भी अपनी परमाणु नीति में हेर फेर को विवश हुआ। हालांकि देशी और विदेशी पर्यवेक्षकों की धारणा है कि भारत ने अणु अस्त्रों के विकास की समस्या पर सक्रिय रूप से सोचना शुरू कर दिया है और उसके लिए अधिक समय तक जनमत की उपेक्षा करना संभव नहीं होगा। भारत की परमाणु नीति के प्रमुख बिंदु। भारत की परमाणु नीति पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि इसका ताना बाना देश की विदेश नीति, ऊर्जा आवश्यकताओं और राष्ट्रीय सुरक्षाओं को पूरा करने का रहा है। भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति घोषित की, जिसमें सुरक्षा के लिए न्यूनतम परीक्षण क्षमता के विकास की बात कही गई। भारत की परमाणु नीति का आधार नो फर्स्ट यूज यानी परमाणु अस्त्रों का पहले उपयोग नहीं करने का रहा है।
लेकिन हमला होने की स्थिति में कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत किसी दूसरे परमाणु शक्ति वाले राष्ट्र के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का पहला इस्तेमाल कब करेगा, इसको लेकर पूर्ण स्पष्टता नहीं है। कभी परिस्थितियां ऐसा मोड़ भी ले सकती हैं जिनमें कुछ मामलों में भारत को इसका पहला इस्तेमाल उपयोगी लग सकता है। तो आइए अब जानते हैं बदलाव की ज़रूरत है या नहीं। परमाणु नीति का मामला इतना संवेदनशील है कि इस पर सार्वजनिक चर्चा किसी भी देश में नहीं की जाती और यह वैसे भी नीतिगत स्तर पर चर्चा का मुद्दा है। बदलाव की चर्चा इसलिए भी समय समय पर उठती है कि अस्थिर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ाता जा रहा है और उसका घोषित लक्ष्य भारत है। भारत का घोषित परमाणु सिद्धांत विशिष्ट तौर पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। दरअसल भारत को शांतिकाल और युद्धकाल दोनों के लिए दो अलग अलग परमाणु सिद्धांतों की ज़रूरत है। भारत पहले ही ऐसा सिद्धांत तैयार कर चुका है जो युद्धकाल में उसकी परमाणु सीमाओं, स्थिति और तैनाती को परिभाषित करता है। भारत द्वारा घोषित परमाणु सिद्धांत एक शांतिकालीन दस्तावेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने युद्धकाल के लिए अपने विकल्पों का आकलन नहीं किया होगा। पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियार बनाने तथा चीन द्वारा त्वरित सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने जैसे घटनाक्रम के चलते युद्धकाल के लिए अलग परमाणु सिद्धांत होना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की परमाणु नीति जैसे बेहद अहम मुद्दे पर केवल प्रधानमंत्री ही अधिकार पूर्वक कुछ कह सकते हैं। फिलहाल भारत सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऐसा कोई संकेत कभी नहीं दिया है जिससे लगे कि देश की परमाणु नीति में कोई बदलाव आने वाला है। 2003 में सामने आई भारत की परमाणु नीति 1999 में तय हुई थी और अब इसकी समीक्षा बेहद ज़रूरी हो गई है। किसी भी महत्वपूर्ण नीति की नियमित रूप से समीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है और भारत की परमाणु नीति को भी मौजूदा समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट यानी वर्ल्ड न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट 2017 से पता चलता है कि स्थापित किए गए परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 2024 तक 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि वर्ष 2032 तक बिजली उत्पादन की यह क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी। फिलहाल भारत में 21 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं जिनसे लगभग 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इनके अलावा 11 अन्य रिएक्टरों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है और इनके सक्रिय होने के बाद 8000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने लगेगा। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25% बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का ही योगदान हो। क्योंकि भारत अपने हथियार कार्यक्रम के कारण परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है, अतः 34 वर्षों तक इसके परमाणु संयंत्रों अथवा पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस कारण यह वर्ष 2009 तक अपनी सिविल परमाणु ऊर्जा का विकास नहीं कर सका। पूर्व के व्यापार के प्रतिबंधों और स्वदेशी यूरेनियम के अभाव में भारत थोरियम के भंडारों से लाभ प्राप्त करने के लिए परमाणु ईंधन चक्र का विकास कर रहा है। भारत का प्राथमिक ऊर्जा उपभोग वर्ष 1990 और 2011 के मध्य दोगुना हो गया था। परमाणु हथियार ले जाने का तंत्र। भारत अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने के साथ ही उन्हें शत्रु के ठिकाने तक प्रहार करने वाले तंत्र का भी विकास कर रहा है। भारत के पास जो परमाणु अस्त्र हैं उन्हें ले जाने में सक्षम रॉकेट और मिसाइलें भी हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के पास कम से कम 7 ऐसे सिस्टम हैं जिनसे इन परमाणु हथियारों को ढोया जा सकता है। इनमें 4 लड़ाकू विमान, 1 पनडुब्बी, 4 सतह से मार करने वाली मिसाइलें और 1 पानी से मार करने वाली मिसाइल शामिल है। इन विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत ऐसे 4 तंत्र और तैयार कर रहा है। न्यूनतम परमाणु सुरक्षा तंत्र का होना बेहद ज़रूरी।
चीन और पाकिस्तान दोनों ही देशों के परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण भारत के सामने न्यूनतम सुरक्षा तंत्र विकसित करने की बड़ी चुनौती है। चीन बड़ी परमाणु शक्ति वाला देश है, भारत के लिए पाकिस्तान से कहीं बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को जितनी परमाणु क्षमता की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा चीन के विरुद्ध है, और पाकिस्तान के मुकाबले चीन के विरुद्ध भारत को बेहतर परमाणु तैयारी की जरूरत है। इसी के मद्देनजर माना यह जाता है कि भारत अपनी परमाणु शक्ति का एक हिस्सा हमेशा तैयार रखता है और इसे किसी भी समय जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रखा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु क्षमता में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है, और माना यह जाता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में है जिसके परमाणु हथियारों के जखीरे में दुनिया में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पिछले एक दशक में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों की संख्या 3 गुना बढ़ा ली है। पाकिस्तान के मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतना भारत के हित में है, क्योंकि पाकिस्तानी सत्ताधारी वर्ग के लिए परमाणु शक्ति हमेशा से भारत की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का जवाब है। ऐसे में देशों के बीच परस्पर अविश्वास और युद्ध के इतिहास से मामला और अधिक संवेदनशील बन जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता। इट्स टाइम फॉर इंडिया टू बिकम अ न्यूक्लियर स्टेट। अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे। मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करने के बाद परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति अपनाई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन उसने पहले प्रयोग न करने की ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उल्लेखनीय है, परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की भारत की नीति की वजह से ही परमाणु के शांतिपूर्ण प्रयोग को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देश उसे यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं। भारत ने परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की नीति अपनाकर दुनिया को यह दिखाया है कि वह आक्रामक देश नहीं है। उल्लेखनीय है कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने विध्वंसक हथियारों का निर्माण करने में अपनी शक्ति का उपयोग किया, परंतु भारत किसी भी स्थिति में शस्त्र निर्माण के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। नहीं किए एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर। परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही स्पष्ट रहा है, और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न मंचों पर समय समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है। एनपीटी परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है, लेकिन भारत इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है। इसके लिए भारत दो तर्क देता है। पहला, इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा, इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता था। यह 18 मई 1974 को तब सामने आया जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भारत मानता है कि 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षरित तथा 5 मार्च 1970 से लागू परमाणु अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण है, असमानता पर आधारित तथा एक पक्षीय और अपूर्ण है। भारत का मानना है कि परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। परमाणु अप्रसार संधि का मौजूदा ढांचा भेदभावपूर्ण है और परमाणु शक्तियों के हितों का पोषण करता है। यह परमाणु खतरे के साय तले जी रहे भारत जैसे देशों के हितों की अनदेखी करता है। भारत के अनुसार वे कारण आज भी बने हुए हैं जिनकी वजह से भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
कह सकते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत का रुख बेहद स्पष्ट है, वह किसी की देखा देखी या दबाव में इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत अपने हितों और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए मामले के औचित्य पर पूरी तरह से विचार करेगा। नई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से भारत ने स्पष्ट इनकार कर दिया है। भारत के अनुसार यह संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण खामियों से भरी व नितांत अपूर्ण है। जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों के निषेध से संबंधित इस नई संधि को अपनाया था, जो परमाणु हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, अधिग्रहण, संग्रहण व तैनाती को अवैध करार देती है। भारत अपने स्पष्टीकरण में कह चुका था कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि यह नई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि परमाणु निरस्त्रीकरण पर समग्र व्यवस्था कायम करने में सफल हो पाएगी। भारत ने इस संधि की सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में कल्पना की थी, जिससे एक समयबद्ध रूपरेखा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्णतः नष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। भारत का यह भी मानना रहा है कि इस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य मात्र परमाणु विस्फोटों के परीक्षण को बंद करना नहीं था, अपितु परमाणु हथियारों के गुणात्मक विकास और उनके परिष्करण को विस्फोट अथवा अन्य माध्यमों से रोकना था। इससे भारत के व्यापक राष्ट्रीय व सुरक्षा हितों की पुष्टि नहीं होती और उसके रुख से स्पष्ट है कि वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में अपने एटमी विकल्पों को खुला रखेगा। निष्कर्ष: दुनिया के 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं, लेकिन आज शीत युद्ध जैसी कोई परिस्थिति नहीं है जो इन्हें लेकर चिंता का कारण बना रहता था। लेकिन भारत का अस्थिर पड़ोसी पाकिस्तान चिंता का एक बड़ा कारण है, और यह कोई आज की बात नहीं है, बल्कि अपने जन्म के समय से ही उसकी हरकतें भारत को परेशान करने वाली रही है। इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान घास की रोटी खाकर गुजारा कर लेगा, लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएगा। उसने बना भी लिया और उसका एकमात्र लक्ष्य भारत है, लेकिन यह भी सच है कि यदि वह ऐसा सोचता है कि परमाणु हमला करके भारत को बर्बाद कर देगा, तो यह उसके लिए कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच यदि परमाणु युद्ध की स्थिति आती भी है, तो इसके भयंकर परिणाम कुछ वैसे ही हो सकते हैं जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिले थे, बल्कि उससे कई गुना अधिक भयंकर हो सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत से परमाणु टकराव के बाद पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।